हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्फेरिकल लेंसेज। हमने जाना था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं और कॉन्केव लेंस क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज। बट उससे भी पहले हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस प्रॉपरली। हम अपनी कॉपी में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को प्रॉपरली कैसे ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पे हम टू पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, उनको हम ले लेंगे 2F1 और 2F2। अब हमें ड्रॉ क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। हमने प्रीवियस इससे पहले के वीडियो में ये बताया था आपको कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों ही क्या होते हैं, दो कर्व्ड सर्फेसेस से बाउंड होते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, टू पॉइंट्स मार्क किया। अब हम इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे। मतलब अगर हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है तो हम उसका मिड पॉइंट ले लेंगे एट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो सर्फेसेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2F1, फॉर दिस वी रिक्वायर अ कंपास एंड अ पेंसिल, ठीक है। सर्फेसेस को ड्रॉ करने के लिए हमें एक कंपास चाहिए, एक पेंसिल चाहिए। हम क्या करेंगे, पेंसिल को कंपास में लगाएंगे और फिर हम कंपास को इधर रखेंगे, मतलब 2F1 को हम एज अ सेंटर लेंगे और हम एक आर्क लगाएंगे। और जो आर्क होगा वो हमारी डिस्टेंस क्या लेंगे, मोर देन, ये अगर हमारा O है तो हम इससे ज़्यादा लेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारी ये डिस्टेंस 5 है तो जो भी हम आर्क लगाएंगे वो कितनी डिस्टेंस पे लेंगे, 5.5 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ हमने कंपास रख के हमने एक आर्क लगाया लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से। ये हो जाएगा हमारा। अब हम डिस्टेंस वही रखेंगे बट अब हम दूसरा सेंटर लेंगे इसको, 2F2 को। अगेन हम सेम डिस्टेंस लेते हुए क्या करेंगे, फिर से एक आर्क लगाएंगे। इस डिस्टेंस को लेते हुए हम फिर से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस में ये लेंस होगा, ये लेंस का सेंट्रल पॉइंट होगा और ये जितनी हमारी 2F1 ओ डिस्टेंस होगी उतनी ही हमारी 2F2 ओ डिस्टेंस होगी। बाद में हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे, हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा, इसको हम C1 और C2 से भी डिनोट कर सकते हैं बट ये हमारे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा था स्मॉल f इज इक्वल टू R/2, या मिरर के केस में हमने जितने भी फिगर बनाए थे उसमें C और P का जो था हाफ होता था हमारा f प्रिंसिपल फोकस, मीन्स सेंटर जो होता था वो हमारा प्रिंसिपल फोकस का डबल होता था। इसीलिए हमने इसको क्या ले लिया है, 2F1 भी लिख सकते हैं और C2 को वी कैन राइट एज 2F2, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट ड्रॉ करना है कॉन्केव लेंस को, ठीक है। नेक्स्ट हम किसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे कॉन्केव लेंस को। अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दो सेंटर लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। अब हमें भी क्या करना है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, दो कर्व्ड सर्फेसेस चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मोर देन ये, यहाँ इससे ओ के आगे थोड़ी सी डिस्टेंस लेके आर्क लगाई थी ना, अब हम यहाँ करें क्या करना है, हमें ओ से कम, जो हम आर्क लगाएंगे वो ओ से कम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस, हमने आपको बना के बताया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये पॉइंट चाहिए होता है दिस, है ना। लेकिन कॉन्केव लेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है दिस। अब हमें ये चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो आर्क लगाएंगे तो जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो 2F1O से
कम लेस डिस्टेंस लेंगे, मतलब अगर ये हमारा 5 है तो हम 4.5 ले सकते हैं, 4.8 ले सकते हैं, 4.7 ले सकते हैं, बट हमें इससे कम चाहिए। तो हम क्या करें, एक आर्क यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क हम इधर लगाएंगे, ठीक है। एक आर्क हमने ये लगा दिया, नेक्स्ट अब सेम डिस्टेंस को लेते हुए सेंटर इधर लेंगे और एक आर्क हम क्या करेंगे इधर से लगाएंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा, ठीक है। अब हम कॉनकेव लेंस से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमने मिरर के केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, तो मिरर के केस में हमने पढ़ा था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन जाती है वो क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है फॉर मिरर। बट यहाँ हम क्या लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो लेंस के लिए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, एक सेंटर। जब भी हमने लेंस बनाया तो जब हमने ये आर्क लगाया तो एक इस स्फीयर के लिए हमें सेंटर मिला था और एक इस स्फीयर के लिए हमें सेंटर मिला, ये दिस। दोनों सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए हमने जो एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है। दोनों को ज्वाइन करते हुए जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू कर्व्ड सर्फेसेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब हमने जो ये मिड पॉइंट लिया था ओ, ऑप्टिकल सेंटर को हम बोल सकते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, है ना। तो ये जो हमने सेंट्रल पॉइंट लिया था ओ, इसको हमने किससे डिनोट किया था, ओ से। ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस goes straight without any deviation, means ये optical center से जो भी ray of light pass होगी वो क्या बिना किसी deviation के straight चली जाएगी। पढ़ लेते हैं optical center क्या है, the optical center of the lens is a point on the principal axis of the lens, lens के principal axis पे एक ऐसा point, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच, जिससे होकर जो भी रे ऑफ लाइट पास होती है गोस स्ट्रेट, क्या होगा, गोस स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, बिना डेविएट हुए क्या हो जाती है, स्ट्रेट चली जाती है। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, हमने स्फेरिकल मिरर जब डिस्कस किया था तब हमने स्फेरिकल मिरर के केस में भी प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था। तो मिरर के केस में हमने प्रिंसिपल फोकस क्या पढ़ा था, अगर हम ले लें एक कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि कैसी हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपकी जब भी मिरर से स्ट्राइक करती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती थी वही पॉइंट हमारी क्या कहलाती थी, प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम इसी चीज़ को कॉन्वेक्स मिरर के केस में डिस्कस करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, रेस को, पैरेलल रेस को क्या कर देता था, डाइवर्ज कर देता था। तो जिस पॉइंट से रेस डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती थी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता था, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन
लेंस के केस में हमारा क्या है, लेंस के केस में भी हमारा कुछ ऐसा ही है। लेंस के केस में ये हमने फिगर बनाया हुआ है कि जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रही हैं, किसी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही हैं, ठीक है। जबकि कॉन्केव लेंस के केस में ये रेस क्या होती जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं उसी पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं। और जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है कॉन्केव लेंस के केस में, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। क्या बोला गया है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पैरेलल रेस जो होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद या तो कन्वर्ज हो रही हैं या फिर रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं। हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जबकि कॉन्केव लेंस जो होता है वो किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, जबकि कॉन्केव लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। अब देखिए ये क्या है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है। यहाँ पे भी ये है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, और कहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, दिस पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस। अब लेकिन ये लेंस में हमारे दो फोकस दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, कॉन्केव लेंस के भी केस में दो फोकस दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो अभी तो हम अगर देखिए इधर पैरेलल रेज ऑफ लाइट किस तरफ से आ रही हैं, लेफ्ट साइड से, इधर भी लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में देख रहे पहले, अगर ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से ना, अगर लेफ्ट साइड से आती हैं तब तो हमारी इधर कन्वर्ज हो रही है और हमारा इधर हो गया फोकस, ठीक है। लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड से ना आके राइट साइड से आएंगी पैरेलल रेज, तो बिकॉज ये दो कर्व सर्फेसिस से बाउंड है ना, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस दोनों ही, मीन्स रिफ्रैक्शन दोनों साइड से होगा। तो अगर ये पैरेलल रेज लेफ्ट से ना आके राइट से आएंगी तो ये इधर जाके कन्वर्ज होंगी, और फिर इस साइड पे जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। और कॉन्केव लेंस के केस में ये जो फिगर है हमारा, इसमें पैरेलल रेज लेफ्ट साइड से आ रही हैं, अगर ये राइट साइड से आएंगी तो ये यूं डाइवर्ज हो जाएंगी और ये डाइवर्जिंग रेज हमारे इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। सो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फोकस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंस हैज टू फोकाई, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, ये लिखा है हमारा फर्स्ट फोकस, ये सेकेंड फोकस, और ऐसे ही कॉन्केव लेंस के केस में भी ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट फोकस और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड फोकस। नेक्स्ट फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस। हमने मिरर के केस में भी फोकल लेंथ पढ़ा था, मिरर के केस में फोकल लेंथ हमारा क्या था, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, बट यहाँ पोल नहीं है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो हम यहाँ फोकस किस डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। अगर ओ से एफ वन की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट फोकल लेंथ, और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड फोकल लेंथ। मीन्स सिंपल डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब एक चीज और, मिरर के केस में हमारा कन्वर्जिंग नेचर का क्या था, कॉन्केव मिरर, और डाइवर्जिंग नेचर का क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन लेंस के केस में हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमारा क्या है, कन्वर्जिंग नेचर का,
और कॉनकेव लेंस जो है वो हमारा क्या है, डाइवर्जिंग नेचर का। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, लास्ट है एपर्चर क्या होता है। तो एपर्चर होता है, एपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमीटर। मिरर के केस में जो एपर्चर था वो हमें क्या, मिरर की साइज को बताता था, और लेंस के केस में एपर्चर टेल्स अस द साइज ऑफ द लेंस। तो ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट जब हम लेंस से नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके पहले हम इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे।